हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं अभी ट्रेन स्टेशन में खड़ा हूँ और मैं जा रहा हूँ बर्लिन आज। और नॉर्मली मैं हर वीकेंड्स बर्लिन जाता हूँ, तो एक्चुअली मैं वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ रहता हूँ, टाइम स्पेंड करता हूँ, क्योंकि यहाँ वीकेंड्स में थोड़ा बोरिंग होता है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं थोड़ा ट्रैवल करके मैं बर्लिन चला जाऊँ ताकि मैं वहाँ एंजॉय कर सकूँ। इसलिए मैं अपनी ट्रेन की वेट कर रहा और मेरी जर्नी अराउंड 3 आवर्स की होने वाली है यहाँ से। गाइस, मैंने अपनी सारी चीज़ें जैसे कपड़े, खाने का कुछ सामान मैंने अपने बैग में रख लिया है, क्योंकि मैं वहाँ बर्लिन में अराउंड 3 या 4 दिन के लिए रहूँगा फॉर ऑल द वीकेंड्स। आज फ्राइडे है तो मैं बेसिकली वहाँ से रिटर्न मंडे को करूँगा। और गाइस, आज का दिन होने वाला बहुत एक्साइटिंग, क्योंकि आज हमारे पास बहुत कुछ है करने को। आज मुझे अपनी ड्राइविंग क्लास भी जानी है और फिर आज हम जाएंगे ट्रेनिंग करने, अपने दोस्तों से मिलेंगे and rest you'll see. तो फाइनली मैं आ चुका हूँ बर्लिन और अब यहाँ से हम जाएंगे मेरे ड्राइविंग क्लास, क्योंकि मैं वहाँ के लेट हो रहा हूँ। और बर्लिन के बारे में, तो बर्लिन जर्मनी की कैपिटल सिटी है और कैपिटल सिटी होने के साथ साथ ये बर्लिन की सबसे बड़ी सिटी भी है। और बर्लिन की आबादी कुल अराउंड 4 मिलियन है आई गेस, लाइक 40 लाख। इसलिए बर्लिन यूरोप का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी भी माना जाता है। तो गाइज, अब हम मैं यहाँ से पकड़ूँगा मेट्रो, जर्मनी में मेट्रो को U-Bahn बोला जाता है। तो मैं यहाँ से पकड़ के सीधा निकलूँगा अपने ड्राइविंग क्लास। तो गाइज, आज मेरी ड्राइविंग क्लास हो गई है ख़त्म और मैं आ चुका हूँ अपने घर। ये मेरा अपार्टमेंट है बर्लिन का, और मेरे अपार्टमेंट का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं मेरे अपार्टमेंट का व्यू। आज मौसम अच्छा नहीं है, वेदर ख़राब है, बारिश भी हो रही है, टेम्परेचर अराउंड 6 से 7 डिग्रीज है। गाइस, घर पे आज मेरा एक दोस्त भी आया हुआ है, उसका नाम है सुमित। चलिए मैं आपको उससे मिलाता हूँ, और फिलहाल वो खाने के लिए भी कुछ बना रहा है। लेट्स सी। सो सुमित, हाय बोलो मेरे YouTube चैनल में। आप कहाँ से हो, क्या करते हो, बताओ। कोलकाता से हूँ मैं, बर्लिन में 2 साल करीब होने आया मैं हूँ, और अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। और मेरे दोस्त वो भी बताओ। और इसका दोस्त हूँ बदकिस्मती से। तो सुमित आज हमारे लिए बना रहा है पुलाव, इसमें उसमें भी पुलाव है बाय द वे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। और उसने बनाया आज के लिए मुर्ग मुसल्लम, बहुत ही लजीज लग रहा है एज यू कैन सी। सो हमारे प्यारे भाई सुमित उर्फ मटिया ब्रूस हमारे लिए खाना बनाए हैं और सर्व कर रहे हैं। भाई दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है भाई, मजाक नहीं। चटनी भी बनाया, ओह वाह, शाबाश भैया। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा मैं लंच कंप्लीट कर लिया अपना, और लंच को मैंने एज ए प्री वर्कआउट लिया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्लान था कि मैं लंच करके सीधा अपने जिम के लिए निकलूँगा। और मौसम में भी काफ़ी बदलाव आ चुका है, और जैसे मैं आपको दिखा रहा था कि यह बारिश हो रही है, वेदर अच्छी नहीं है, बट यार ये यूरोप है, यूरोप में आप वेदर की कोई गारंटी नहीं ले सकते। देखो अभी 30 मिनट्स पहले बारिश हो रही थी, बट यहाँ पूरा अभी सनी वेदर है। और टेम्परेचर्स में भी काफ़ी चेंजेस आ चुकी हैं, अब अराउंड 11 डिग्रीज हो चुका है, जो कि 6 या 7 था। सो लोग बाहर भी निकल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और स्प्रिंग आ चुका है तो लोग समर्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं।
गाइस मुझे आपसे एक जेन्युइन क्वेश्चन भी था, मैं पूछना चाहता था कि आप किस तरह के कंटेंट चाहते हैं वो आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं इस फील्ड में काफ़ी नया हूं और मुझे टोटली बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कैमरा का और ये सारी एडिटिंग एंड ऑल दिस शिट, बट आई एम स्टिल डूइंग इट बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, यू नो व्हाट आई मीन। सो अगर आपके पास कोई भी सजेशन है मेरे लिए तो प्लीज़ आप कॉमेंट्स में लिखें, मैं उसे देखूँगा, पढ़ूँगा, एक्ट करूँगा। And yes, I will try to provide you some great contents for you. Probably I'll be shooting for the fitness house, the nutrition, and also daily vlogs like I'm doing right now. So yeah, please help me out. Guys, मैंने वो कुछ मिनट पहले ही बोला था कि यहाँ के वेदर का कोई ठीक ठिकाना नहीं। भाई ये देखो, मैं रेडी हो गया, अब रेडी होकर देख रहा हूँ तो भाई बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, भाई क्या ही बोलूँ। अब मैं जल्दी निकल भी नहीं पाऊँगा, मुझे वेट करना पड़ेगा बारिश के थमने का, बट सच में यार बहुत अनप्रेडिक्टेबल है यहाँ का वेदर, कुछ समझ नहीं आया था क्या क्या कपड़ा पहन के निकलो, बारिश का कपड़ा पहनूँ या ठंड का पहनूँ या गर्मी का पहनूँ। जैकेट कैरी कर लो मोटी तो धूप निकल जाता है, धूप निकल जाता है तो मोटी जैकेट कैरी करने में दिक्कत होती है बाहर। सो गाइस, 100 बात की एक बात, अगर आप कभी भी फ्यूचर में नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज़ घूमने आना चाहते हो, एग्जांपल फिनलैंड, नॉर्वे, यूके या फिर जर्मनी, तो यहाँ कभी भी आप एक चीज़ प्रेडिक्ट कर मत आना कि यहाँ सर्दी है तो सिर्फ सर्दी के कपड़े लेकर आऊँगा या गर्मी है तो सिर्फ गर्मी के कपड़े लेकर आऊँगा। भाई यहाँ आपको तीनों मौसम के लिए रेडी रहना पड़ेगा, सर्दी, गर्मी और बारिश, तीनों के लिए। तो आप हमेशा वेल प्रिपेयर्ड रहना और कुछ भी डिपेंडेंट मत होना, क्योंकि अगर आपको वेदर मैप अभी दिखा रहा है 5 डिग्री तो भाई एक घंटे बाद ज़रूरी नहीं है कि वो 6 पर ही रहेगा, वो 10, 11, 12 इवन 1 कुछ भी हो सकता है। तो आप कभी भी वेदर मैप पे ज़्यादा भरोसा मत करना। तो गाइस बारिश बंद हो चुकी है और मैं निकल चुका हूँ अपने जिम के लिए। तो जिम जाने के लिए मुझे बेसिकली फर्स्ट एक बस पकड़ना पड़ेगा, बस स्टैंड से 2 स्टॉप जाने के बाद फिर मुझे मेट्रो पकड़ना पड़ेगा और या वो मेट्रो से उतरने के बाद फिर अराउंड लाइक 4-5 मिनट की वॉक है। तो गाइस ये रहा यहाँ का बस स्टॉप, यहाँ पर बसेज आती हैं M29, 171, 194 एंड 94। तो गाइस में बस भी आ चुका है, चलिए चलते हैं हम। सो गाइस ये रहा बस का थोड़ा सा ओवरव्यू। सो गाइस में बस से उतर गया, अब यहाँ से लूँगा मैं एक मेट्रो और मैं उसी बस से आया, पीछे आप देख सकते हैं बस को, और चलिए चलते हैं हम मेट्रो लेने। मैं अभी फ़िलहाल जहाँ हूँ उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है नोइक्योल, और नोइक्योल हालांकि माना जाता है कि बर्लिन का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट में से एक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इमिग्रेंट्स जो जर्मनी आते हैं, आई मीन बर्लिन आते हैं, वो नोइक्योल प्रेफर करते हैं बिकॉज इट्स वेरी मल्टीकल्चरल। और गाइस मल्टीकल्चरल होने के साथ साथ नोइक्योल की एक और खासियत है कि अगर आप किसी भी कंट्री से आते हो, यहाँ आपको अपने कंट्री से रिलेटेड शॉप्स, ग्रॉसरी स्टोर सब अवेलेबल होता है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग यहाँ से ऑर्डर करते हैं। बट या इसका बैड साइड ये भी है कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। जो भी प्रदर्शन या प्रोटेस्ट आपको देखने मिलता है बर्लिन में या फिर जर्मनी में, सबसे ज़्यादा मेट्रो में कंडक्ट किए जाते हैं। ये जो सामने मेट्रो है इसमें मुझे जाना है, बट गाइस लेट जस्ट सी, आज एक नॉर्मल दिन है और इतनी ज़्यादा क्राउड है यहाँ, इवन मेट्रो के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्राउड है। सो गाइस ये मेट्रो स्टेशन है,
यहाँ से हम निकलेंगे बाहर। बाहर निकालने के लिए मुझे अभी अराउंड 3-4 मिनट वॉक करना पड़ेगा क्योंकि स्टेशन काफ़ी बड़ा है। जिसमें स्टॉप पर अभी खड़ा हूँ उसका नाम है अलेक्जेंडर प्लाट्स। ये भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टॉप्स है बिकॉज बेसिकली लोग जो घूमने आते हैं वो यहाँ आना प्रेफर करते हैं। लेट मी शो यू, ये जो सामने टावर है इसे कहते हैं टीवी टावर यहाँ का। एंड सी द क्राउड गाइस, एंड गाइस वन मोर थिंग, ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो ये वही बिल्डिंग है जहाँ शाहरुख खान ने अपनी मूवी रावण शूट करी थी। सारे एक्शन सीन्स जो थे लास्ट के यहीं पर शूट हुए थे। जिसने भी रावण मूवी देखी है उन्हें पता होगा, आप रिलेट कर पा रहे होगे मेरी बातों से। सो गाइस सामने आप देख सकते हैं मेरा जिम फिटेक्स, ये सेम जिम की फ्रेंचाइज है जिस जिम में मैं लास्ट टाइम गया था, क्योंकि ये जिम में ही मैं जिम करता हूँ। बट ये जो स्टूडियो है जिम की ये वो अलग है। जो लास्ट वाली में गया था वो दूसरी सिटी में थी, उसका नाम था मैग्नेबर्ग, और ये वाली बर्लिन की है। और बर्लिन की हालांकि अराउंड सेम फ्रेंचाइजी का 12 या 14 स्टूडियो है। मैं किसी भी स्टूडियो को एक्सेस कर सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी के ऊपर है जिसमें जाना चाहूँ। बट एम्बियंस अराउंड सेम ही होता है, इंटीरियर जो भी बनाया होता है, जो स्ट्रक्चर या फिर मशीन्स सारी सेम कंपनीज की होती है। नॉर्मली मेरा एक ट्रेनिंग पार्टनर है, मेरा फ्रेंड है, जर्मनी से ही है, वो मेरे साथ ट्रेन करता है। बट आज वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाया मैं, क्योंकि उसके पास एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी आज। शाम को अगर मैं आता तो ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है, बट क्योंकि दोपहर का वक्त है अभी लोग काम पर होंगे तो क्राउड अभी फ़िलहाल कम है, जो कि मेरे लिए एक अच्छी बात है। सो गाइस फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं भरूंगा थोड़ा पहले पानी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यू कैन चूज़ व्हिचएवर फ्लेवर्स यू वांट, बट मैं तो पानी चूज़ करता हूँ बिकॉज दैट्स द बेस्ट फॉर मी, दैट वर्क्स फॉर मी। एंड वन मोर थिंग, यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको कुछ भी वर्कआउट चाहिए, पोस्ट वर्कआउट शेक चाहिए, या फिर नॉर्मल एनर्जी वाटर चाहिए, शेक्स, प्रोटीन शेक्स, बॉटल्स, जो आपको चाहिए यू कैन जस्ट डायरेक्टली पे हियर एंड यू हैव इट। आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ बैक एंड बाइसेप्स। मैं किसी भी तरह का डेडिकेटेड वर्कआउट स्प्लिट फॉलो नहीं करता क्योंकि मेरी स्केड्यूल ही वैसी है। मैं कभी हफ्ते में एक बार वर्कआउट करता हूँ, कभी 4 बार, कभी 2 बार, डिपेंड करता है मेरे मन के ऊपर और मेरे टाइम के ऊपर, मेरे पास कितना टाइम है। सो फिर चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस मैं स्टार्ट करूँगा थोड़े एक्टिव वार्म अप्स एंड स्ट्रेचिंग के साथ। सो ये मेरे वर्कआउट से पहले की कंडीशनिंग, अभी फ़िलहाल मसल्स में कोई ब्लड फ्लो नहीं है सो इसलिए यू कांट सी एनी पंप। सो यहाँ गाइस मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन से। ये मेरा फर्स्ट वर्किंग सेट है, मैं अराउंड 3 से 4 वर्किंग सेट करूँगा टिल फेलियर। थिंग गाइस, मैं पर्सनली क्लोजर ग्रिप्स ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एज़ कम्पेयर टू द वाइडर वंस, क्योंकि मुझे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील होती है इसमें और मेरे पास ज़्यादा कंट्रोल होता है। एंड इफ़ यू आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद वाइडर ग्रिप्स, ट्राई द स्मॉलर वंस, बिकॉज क्योंकि जब आपके हाथ और एल्बोज क्लोज होते हैं आपके लैट्स से, देन यू कैन गिव इट द अमाउंट ऑफ स्क्वीज यू वॉन्ट एंड यू आर इन कंट्रोल ऑफ द एक्सरसाइज। So next up we are moving to some front lat pull downs, because I feel कि मेरे rear और lower lats बहुत ज़्यादा underdeveloped हैं,
जिसके लिए मुझे स्पेसिफिक हर दिन एक एक्सरसाइज ऐड करना पड़ता है रियर लैट्स और लोअर लैट्स को इंगेज रखने के लिए. एंड दिस इज़ माय गो टू एक्सरसाइज. आई डू हाईली रिकमेंड इफ़ यू हैव दिस मशीन इन योर जिम देन डू ट्राई दिस आउट बिकॉज द आइसोलेशन द हाइपरट्रॉफी दिस मशीन गिव्स इज रियली अमेजिंग. एंड यस, इसके भी 3 से 4 वर्किंग सेट्स होंगे डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट आई हैव इन माई बॉडी. सो गैस, फ्रंट लैट डाउन कंप्लीट होने के बाद मैं करूँगा थोड़े आइसोलैटरल रोइंग्स. आइसोलैटरल रोइंग्स बेसिकली अपर बैक के लिए होती है, बट क्योंकि इस मशीन में 2 ग्रिप्स होती हैं तो मैं इसे हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज़ करता हूँ. जो साइड वाली ग्रिप है जो मैं अभी कर रहा हूँ बेसिकली, ये टारगेट करती है मेरे रियर लैट्स को और साथ साथ अपर बैक को, बिकॉज मेरे रियर लैट्स थोड़े कमज़ोर हैं. सो आई ट्राई कि जितना ज़्यादा मैं उसकी इंगेजमेंट बना के रखूँ ड्यूरिंग माई वर्कआउट्स उतना मेरे लिए अच्छा. सो गाइस, साइड वाले ग्रिप से मैंने किया था 2 सेट्स. अब मैं मूव कर रहा हूँ अपर ग्रिप की ओर और अपर ग्रिप सोली मेरे अपर बैक को टारगेट करेगी. एंड विद दिस एंगल यू कैन लिटरली सी द अमाउंट ऑफ स्क्वीज दैट आई एम गेटिंग इन दिस स्पेसिफिक ग्रिप. इसलिए इसके मैं 2 वर्किंग सेट्स करूँगा जैसे कि मैंने लास्ट वाले ग्रिप के लिए किया था टिल फेलियर. गाइस, बैक की सारी वर्कआउट हो चुकी है कंप्लीट और मैंने स्टार्ट किया बाइसेप कर्ल्स है. सो बाइसेप कर्ल्स की मैं अभी 4 सेट्स करूँगा. 2 नॉर्मल सेट्स करूँगा जैसे नॉर्मल बाइसेप कर्ल्स की और 2 मैं करूँगा सीटेड बाइसेप कर्ल्स, बिकॉज सीटेड बाइसेप कर्ल्स मुझे लगता है कि मेरी पीक को ज़्यादा हिट करती है. और क्योंकि आप देख सकते हो मेरी पीक थोड़ी सी कमज़ोर है, मास है, बट या पीक में थोड़ा और डेफिनेशन चाहिए. तो या उसके लिए मैं करता हूँ 2 सेट सीटेड बाइसेप कर्ल्स जो कि आप आगे वीडियो में देखोगे. सो ये है बाइसेप कर्ल्स का मेरा पहला वर्किंग सेट. सो गाइस, ये रहा मैं बाइसेप कर्ल्स का दूसरा वर्किंग सेट. आप देख रहे हो कि मैं थोड़ा सा जर्क दे रहा हूँ
बट इतना जोक चलता है, इफ़ यू आर एडवांस लिफ्टर यू कैन स्टिल फील द कंट्रैक्शन, क्योंकि वेट ज़्यादा हैवी होने की वजह से मुझे थोड़ा सा मोमेंटम चाहिए, वरना मैं लिफ्ट नहीं कर पाऊँगा प्रॉपरली। बट या अगर आप बिगिनर हो तो आप ट्राई करो कि आप वेट रखो कम और नॉर्मल फॉर्म के साथ आप परफॉर्म करो। सो गाइस, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मैं करूँगा सीटेड कर्ल्स। ये वही कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज है जिसकी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। ये टारगेट करता है मेरे पीक को। एंड इफ़ यू ऑल्सो फील दैट कि आपकी पीक थोड़ी कमज़ोर है, आप ट्राई कर सकते हैं अपनी रूटीन में। ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा इफ़ यू परफॉर्म इट करेक्टली एंड विद अ बिट हैवी वेट। एंड गाइस, इसी तरह अगर आप एक एडवांस लिफ्टर हो, आपको अपने मसल्स को तराशना होगा, आपको जानना होगा कौन सी आपकी बॉडी पार्ट वीक है, कौन सी मसल्स वीक है, कहाँ काम करने का ज़रूरत है। नेक्स्ट ऑन अब हम करेंगे थोड़ा हैमर कर्ल्स, और इसके साथ मैं अपने बाइसेप्स की वर्कआउट कंप्लीट कर दूंगा। बट उससे पहले मैं करूंगा इसके 3 से 4 वॉकिंग सेट्स। मेरी बाइसेप्स ऑलरेडी फुल फटीग है, बिकॉज जब आप बैक ट्रेन करते हो देन ऑल्सो यू हिट योर बाइसेप्स अ लॉट। सो गाइज, ये रही मेरी आज की कंडीशनिंग आफ्टर वर्कआउट, और जैसा कि आपने देखा मेरी वेट अराउंड 89 किलोज़ है। मैं ट्राई करूँगा कि आने वाले 3-4 महीनों के अंदर मैं उसको 95 करूँ और जितना लीन टिश्यू गेन कर सकूँ करूँ। हालांकि मेरी वेट पहले अराउंड 94-95 ऑलरेडी थी, बट मैंने लूज़ कर लिया बिकॉज ना ही मैं सही से ट्रेन कर रहा था और ना ही मैं डाइटिंग कर पा रहा था, क्योंकि लास्ट 2 मंथ्स में मैं बिज़ी हो गया था अपने एग्ज़ाम के चक्कर में, इसलिए मेरे पास वर्कआउट करने का टाइम भी नहीं मिल रहा था और फूड का तो मैं बिल्कुल ही ख्याल नहीं रख रहा था। बट होपफुली आने वाली सिचुएशन हमारे फेवर में होंगी। सो गाइस, आज के लिए मेरी वर्कआउट यही होती है कम्प्लीट। जैसा कि आपने देखा, मैंने बाइसेप्स के लिए किया 2 एक्सरसाइजेज एंड बैक के लिए किया 3 एक्सरसाइजेज, जो मेरे हिसाब से आई थिंक सफिशिएंट फॉर मी फॉर द डे। अगर आपको अच्छा लगा वर्कआउट तो यू कैन ऑल्सो ट्राई न्यू रूटीन, यू कैन ट्राई दोज एक्सरसाइजेज फॉर मेकिंग सम गुड गेंस। आज का मैं वीडियो करता हूँ यही खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दैट विल मोटिवेट मी टू मेक सच न्यू कॉन्टेंट्स फॉर यू। एंड या अगर आपके पास कोई सजेशन है, देन डू राइट इन कमेंट्स और गो थ्रू इट। टिल देन।